हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, अभी के वीडियो में हम रेलवे के ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम आज से शुरू हुए हैं उसके फर्स्ट शिफ्ट के हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और इसमें 30 से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का सबसे रहने लायक शहर कौन सा है? तो ये वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे रहने लायक शहर कौन है? तो भारत में सबसे रहने लायक शहर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स है ल्यूमेन की इकाई। नेक्स्ट है, फिल्म पद्मावत में खिलजी का रोल किन्होंने किया था? तो ये रणवीर सिंह ने किया था, रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर सिंह ने किया था। यहाँ पे गलती से कपूर आ गया है। आपको फिल्म्स के डायरेक्टर भी याद कर लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है? तो बिहार के गवर्नर अभी लालजी टंडन है, पहले सत्यपाल मलिक थे जो अभी जम्मू कश्मीर के बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि गवर्नर कौन है कहाँ के। और अगर आप लेटेस्ट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, सभी राज्यों के गवर्नर हमने उसमें कवर करे हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री वर्तमान में अभी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट है, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। ये पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी जो पार्टी है वो है PTI, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है, PTI के अध्यक्ष भी इमरान खान ही हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पाकिस्तान के और अभी एक नए राष्ट्रपति बने हैं, आरिफ अलवी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, वे 13वें राष्ट्रपति बने हैं आरिफ अलवी। तो आपको ये भी याद रखना है। यूएफा का फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यानी कि जो यूरोप में सबसे बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो लुका मॉड्रिक को चुना गया है। लुका मॉड्रिक आपको अगर याद हो तो इन्हें फीफा का भी बेस्ट प्लेयर चुना गया था 2018 में। ये क्रोएशिया के प्लेयर हैं। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर अवार्ड्स कहाँ दिया जाता है? तो ये लॉस एंजलिस में दिया जाता है, लॉस एंजलिस जो कि कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। और अगर आपको इसका सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख के बताएं। हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में आपको इसका फॉर्मूला आ जाए। नेक्स्ट है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाओमी मोबाइल फ़ोन का जो CMD है वो कौन है? तो शाओमी मोबाइल फ़ोन के CEO ली जुन, LEIJUN, हिंदी में आपको ली जुन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, शाओमी, रेडमी और MI, ये तीनों एक ही कंपनी है, यानी कि MI ही शाओमी के तरफ से ही MI और रेडमी दोनों ही आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि रेडमी किसका प्रोडक्ट है या MI किसका प्रोडक्ट है, तो ये शाओमी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, इन सब के भी अगर आपको कंपनी के CEO का नाम पता है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है, सबसे हल्की गैस, तो ये हाइड्रोजन है। और दूसरे नंबर पे आपको हीलियम आता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम इसमें पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम ट्राईक्लोरोमीथेन होता है। CHCl3 इसका फॉर्मूला है। कुछ भी पूछा जा सकता है। सौवां स्मार्ट शहर कौन है? सौवां स्मार्ट शहर शिलोंग, मेघालय की राजधानी। नेक्स्ट है, सबसे भारी ग्रह कौन है? तो सबसे भारी ग्रह पृथ्वी बृहस्पति है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव हैं। अभी वर्तमान में कुछ राज्यों के जो चुनाव हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, उनके अगर आप मुख्यमंत्री याद करेंगे तो स्टार्टिंग में इन्हीं सब के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद फिर जिनका एग्ज़ाम लेट से है उनको या तो ये क्वेश्चन रिपीट होंगे या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पूछे जा सकते हैं।
अगला देखते हैं, मान बुकर प्राइज किनको दिया गया था? तो मान बुकर प्राइज 2017 के लिए 18 में ओल्गा टोकार्ज़ुक को द फ्लाइट पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। मान बुकर प्राइज में एक और जो इस बार 50 वर्ष पूरे होने की खुशी में गोल्डन मान बुकर प्राइज दिया गया था, तो वो द इंग्लिश पेशेंट को दिया गया था। इंग्लिश पेशेंट किताब का नाम है। नेक्स्ट है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत का क्या स्थान रहा था? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत का तीसरा स्थान रहा था, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। और अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, जो 18वां एशियन गेम्स 2018 में हुए थे, तो ये आपको इसमें भारत 8वें स्थान पे रहा था, पहले स्थान पे चीन रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2017 में जो हुए थे, तो ये आपको हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, और एशियन गेम्स इंडोनेशिया के जकार्ता और पलमबंग में हुए थे। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डाब्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इस तरह से आप और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस याद कर लें, देश और हमारे जो अलग अलग शहर हैं उनके उपनाम। दाहिना हस्त नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? तो ये फ्लेमिंग ने दिया था। इन्हीं का लेफ्ट हैंड थंब रूल भी इन्होंने ही दिया था, और दाहिना हस्त अंगूठा नियम भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल किनको दिया गया था? तो जॉन टिम्बर्जन को दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, सोनम कपूर को जो किस फिल्म के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये नीरजा फिल्म के लिए, नीरजा भनोट की भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड 2017 दिया गया? तो विलेज रॉकस्टार नेशनल फिल्म, ये असमी भाषा की फिल्म थी, और हिंदी भाषा में न्यूटन को दिया गया था। न्यूटन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि न्यूटन के निर्देशक का नाम क्या है। अमेरिकन टूरिस्टर के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, तो विराट कोहली है इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारी जल का सूत्र, तो भारी जल का सूत्र है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है वोल्टेज को नियंत्रित करना। आपको बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, लेकिन ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता है, ये जो हाई वोल्टेज आता है उसे कम करके अब हमारे घर में यूज करने लायक बना देता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क किस कोशिका से बना हुआ है? तो ये न्यूरॉन कोशिका से बना हुआ होता है, और अगर यहीं पर बात करें हम किडनी की, तो किडनी नेफ्रॉन कोशिका से बना होता है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, तो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी अकेला, ओ अकेला, इसीलिए मोनो यहाँ पे यूज हुआ है। तो ले दे के जो यही थे क्वेश्चंस, और अगर बात करें क्वेश्चंस की लेवल की, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे, 80+ जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्होंने अटेम्प्ट करा है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में शिफ्ट 2 के एनालिसिस के साथ। जय हिंद।